बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मॉड्यूल 2 यूनिट नंबर 2 हल करने जा रहे हैं। तो चलें जी, मॉड्यूल 2 ओपन कर रहे हैं और इसके बाद मॉड्यूल 2 का यूनिट 2 हल करेंगे जी। ये जी यूनिट 2 हमने ओपन कर दिया, ठीक हो गया जी। अब इसको यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे कि इस पेज पर और कोई चीज़ नहीं है, ये यूनिट 2 की सेल्फ असेसमेंट है जो हम हल करेंगे जी। आंसर दिस क्वेश्चंस, ये सेल्फ असेसमेंट है, इसको आप कोई भी ग्रेड दे सकते हैं, 3 दें, 2 दें, 4 दें, यानी कि ये प्री टेस्ट के तौर पर है। ये चीज़ कोई चीज़ आपको सही आती है तो उसको सही कर दें, जो नहीं आती उसको 3 या 2 को दे दें तो भी ठीक है। तो यहाँ से हम सबमिट आंसर्स कर देंगे, ऑल क्वेश्चंस आर एक्सेप्टेबल, ठीक हो गया जी। तो यहाँ से हम इस पर बैक आ जाते हैं। इसके बाद इसको हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ये वीडियो है, इसको हम ओपन करेंगे और वॉच करेंगे, फिर आगे ये ट्रू एंड फॉल्स। ये यूनिट 2 का दूसरा सवाल है जो हम हल कर रहे हैं। तो ये हमने हल करके इसका स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है। आप इसी तरह फॉल्स एंड ट्रू लगा दें, क्योंकि इसमें हमारे फुल मार्क्स हैं 6 आउट ऑफ 6। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपके सामने हल शुदा मौजूद है, इसका स्क्रीनशॉट शेयर है। इसका ये पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 2 है। इसमें से भी पहले आपने देखा कि हमारे मार्क्स जो हैं 6 आउट ऑफ 6 हैं और नीचे लिखा हुआ है योर आंसर इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने मौजूद है, तो ये हमने हल करके स्क्रीनशॉट शेयर किया है। ये टिक्स लगी हुई हैं, यही टिक्स आप लगाएं। ऊपर देखें जी, 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स हैं, यानी फुल मार्क्स हैं। इसका पेज नंबर 2 आपके साथ शेयर है जी, ये भी आप देख लें, इसी के मुताबिक आप टिक्स लगाएँ। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके सामने भी मौजूद है, लार्ड्स एंड हार्ट्स लिखने हैं। इसके हमारे मार्क्स जो हैं ये भी फुल हैं, 6 आउट ऑफ 6, लिहाजा आप इसी तरह इसको हल करें और इसके ऑप्शन जो है वो चूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके सामने जनाब, इसके ऑप्शंस हमने लगा दिए हुए हैं। इसके बॉक्सेस में मौजूद ऑप्शन को जब आप टच करेंगे तो इसके अंदर काफ़ी आंसर्स मौजूद होंगे और इनमें से सही हमने चूज़ किया है और ये सारे के सारे लगाए हैं। हेड पर देखें तो 6 आउट ऑफ 6 हैं, यानी ये हमारा सवाल ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पेज सही ऑप्शन के साथ आपके साथ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7, इसके भी ऑप्शंस जो हमने लगाए हैं यही ठीक हैं, 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स है, यानी सारा सवाल बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, तो इसके ऑप्शन जो इसके सही बनते हैं इनको हमने सही लगा दिया है, ये आप देखें और इसी के मुताबिक लगाएंगे तो ठीक होगा। इस सवाल के भी 9 आउट ऑफ 9 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा पेज सही आंसर के साथ आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 9, ये चूंकि ये बाद में हल करने के बाद गायब हो जाता है, इसलिए हमने इसी तरह ऑप्शन के साथ आपके सामने पेश किया है और सारों को सही चेक लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड सेल्फ असेसमेंट है जी, ये हमने यूनिट मुकम्मल कर लिया है। अब इसको हम हाईएस्ट मार्क्स देंगे और सबको 5 नंबर देंगे जी, ठीक है। ये हमारा ठीक हो जाएगा सवाल। एंड पे क्विज़ आ गया, क्विज़ हल करते वक्त बड़ा ध्यान करना है, क्योंकि अगर कोई गलत हो गया तो सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा। ये पहला क्वेश्चन जो है ये फॉल्स है, दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो ट्रू है, इसको हमने ट्रू लिखा है, तीसरा क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर बनता है समराइजिंग है, ये जिस तरह हमने लिखे हैं जो ऑप्शंस मेरे सामने मौजूद थे वही हल किए हैं,
तो ये इसी तरह ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये प्रिडिक्टिंग है, इसका सही आंसर जो है ये आप इसी तरह लगाएं तो ठीक होगा। क्योंकि जब मैंने एक्सरसाइज हल की तो मेरे सामने ये 4 क्विज आए थे, ये चारों आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चिरागे इल्म यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।